हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है सबका। चलो ये तो मौसम है, आना है जाना है सबने। अभी गर्मी है, फिर सर्दी आएगी, फिर हाई सर्दी। तो ऐसे ही चलते रहने, ज़िंदगी यही है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी खुशी कभी गम। चलो जी आज करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। आज हमने सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। लंच में आज क्या हो गया बेटा? लंच में क्या बनाऊँ आज? राजमा चलेंगे। राजमा बना रही हूँ। बच्चे ये देखिए, ये बैठे हैं, सभी रूम में बैठे हैं, अपने अपने मस्ती मार रहे हैं। अभी कुछ काम नहीं किया, नीचे बैठे हैं एसी में, अभी तक तो ठंडा रूम है इसलिए। तो अभी करते हैं शुरू, चलते हैं किचन में, तो करते हैं राजमा उबल जाए। फ्रेंड्स, इस रूम में आते इतनी गर्मी है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, बुरा हाल है। काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने राजमा उबाल लिए हैं और चावल भी भिगो के रख दिए हैं अपने। बनाते हैं खाना, इसको तड़का लगाती हूँ मैं। तो मैंने ये दोनों खिड़कियाँ खोल ली, इस साइड से भी उस साइड से भी हवा क्रॉस हो। तो गर्मी तो दिन पड़ेगी ना, तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए धूप, बाहर का हाल देखिए, कितनी गर्मी है बाहर, इतना धूप हो रही है अभी से। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का काम शुरू। फ्रेंड्स, ये राजमा उबल गए हैं, अब यहाँ पे मैं अपने तड़का। फ्रेंड्स, जीरा डाल दिया मैंने इसके अंदर तेल में, और अभी ये लहसुन प्याज और अदरक का जो सा पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। ये पूरा ऐसा ऐसा डाल रही हूँ क्योंकि चीटे पड़ने का डर रहता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो जब तक बनाते रहते हैं खाना तो आदत पड़ ही जाती है वैसे तो, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है। ये हमारा लगभग तैयार हो गया, तो अब इसमें टमाटर की प्यूरी भी मैं डाल दूँगी, वो मैंने पीस के रख ली, हरी मिर्ची और टमाटर, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करना चाह रही हूँ, भी कम से कम ऑयल यूज़ करूँ, उससे अभी एक तो गर्मी काफ़ी है इसलिए, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे जुड़ता हो तभी यूज़ करते हो। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, तो पहले डाल दिया, मिर्च मसाला और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये डाल दिया, थोड़ा सा नमक और डाल दिया इसके अंदर। तो ये हमारी सब्ज़ी हो जाएगी, तड़का लगभग तैयार है। तो टमाटर भी बन चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे अभी ये जो सा धनिया पाउडर, धनिया होता है, और कस्तूरी मेथी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब तड़का लगभग तैयार हो चुका है, इसको डाल देते हैं राजमा के अंदर। ये देखिए जी बन गया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक या दो चम्मच ऑयल के होंगे, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो इसको अब शिफ्ट कर देते उधर और राजमा इधर रख के एक दो सीटी दिलवा दूँगी इस पर। तो जैसे कि सबसे पहला काम ये होता है किचन में आके मैं अपनी सब्जी वगैरह बना लूँ, तो दोपहर लंच का प्रिपेयर कर लूँ पूरे अच्छे से, तो उसके बाद बाकी सारी डस्टिंग वस्टिंग करूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन चढ़ जाता है तो गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे तो मैंने हवा क्रॉसिंग के लिए रख ली है दोनों जगह। अब ये मैं डाल रही हूँ चावल बनाने जा रही हूँ। चावल मैंने सुबह भिगो दिए थे, भिगे हुए चावल तो अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं और खाने में जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा सा भिगो के रखते हैं तो उसकी जो सी कहते हैं अभी इसका जो सा एक्स्ट्रा मावा बोलते हैं, वो मावा नहीं क्या बोलते हैं उसको, लावा पता नहीं क्या, ऐसे जो सा इसके अंदर होता है चावलों के अंदर जो मोटापा देता है, तो वो कम हो जाता है। वैसे तो चावल ज़्यादातर हमको बॉयल करके खाने चाहिए, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आते, उनको जीरा राइस ही पसंद आते हैं, तो मैं जीरा राइस ही बनाती हूँ उनके लिए। तो लगभग हफ्ते में दो बार तो चावल पक्का बनने ही बनने हैं, तो बाकी एक्स्ट्रा बन जाए वो चलता है, लेकिन दो बार तो पक्का ही है, क्योंकि कुछ भी राजमा बने, चावल बने, राजमा कढ़ी चने दाल कुछ बनती है उसके साथ चावल बनते ही बनते हैं। और गर्मी भी है, चावल खाने भी अच्छे लगते हैं और बनाने भी अच्छे लगते हैं, दोनों काम इजी हो जाते हैं, इसलिए तो चावल सबसे बेस्ट है। तो हजम भी जल्दी होते हैं गर्मी के मौसम में, तो ये चलते हैं। तो मैंने लगभग ये चावल रख दिए हैं, और अभी बनाया बच्चों के लिए रू अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मुझे भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने रू अफ़ज़ा बना लिया सबके लिए। तो अभी बच्चे तो अंदर बैठे हैं सारे और मैं ही किचन में हूँ, बेटी को अपनी बुला रही क्योंकि
जब मैं हूँ भी तो बच्चों को मन नहीं करता गर्मी में लेके आने का, इसलिए सभी अंदर अपने अपने गेम्स खेल रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। इधर चावल बन रहे हैं हमारे, तो चलो ये बच्चों को दे आती हूँ। हस्बैंड भी घर पे ही हैं तो वो भी आ गए वापस, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है बाहर, तो अपना काम किया जल्दी से अपने घर वापस आ गए हैं। ये देखिए आराम से बेड पर बैठे हैं तीनों बहन भाई, अभी ये उठ गए हैं जी। ये देखिए ये पी लेंगे ठंड ठंड अपना रू अफ़ज़ा, चेयर सो रही है इनकी तो ये पी लिया। अभी दूध भी आ गया तो मैंने भी पी लिया ठंडा, थोड़ा सा गर्मी थोड़ी कम लग रही है अब, क्योंकि एकदम ये बाहर आने में माहौल में थोड़ा एडजस्ट में टाइम लगता है। बाहर हमारे अंदर के रूम का और बाहर के रूम का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। चलिए ये दूध गर्म कर लेते हैं, तो आज भी मैं दही भी साथ के साथ रख दूँगी जमने के लिए, तो दूध तो गर्म होते ही है। राजमा हमारे उबल चुके हैं, बन गए हैं, और इधर चावल भी लगभग बन ही गए हैं, तो ये चला देती हूँ। तो इसको फिर मैं दही जमा के रख दूँगी, दही जमना। ये देखिए चावल बन गए, इसको ढक के रख लेती हूँ। साथ ही बर्तन है तो बर्तनों को भी धो लेंगे। ये दूध थोड़ा सा गर्म हो गया, और ये देखिए इसमें दही जमाती हूँ, अभी दूध डाल देती हूँ। तो हर्षल को बहुत दही पसंद है, उसके लिए एक कटोरी पड़ी थी, और अभी ये और रख दिए मैंने, शाम एक दो घंटे में जम जाएगा, रात के लिए तैयार है दही, तो अभी के लिए तो है, रात के लिए भी हो गया। उसके लिए आटा पड़ा हुआ मेरे पास, तो आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सुबह ही था गूंद लिया था आटा। तो अभी ये देखिए मैंने रख दिया अच्छे से हिला के इसको, तो अभी इसको ढक के रख देंगे। तो फिर हम करते हैं बर्तन की धुलाई। ये देखिए जो से डिब्बे खाली होते हैं वो, जैसे कि मैं आपको बताई साथ के साथ ही आटा पड़ा, अब देख लिया काफ़ी है, तो चार रोटी तो बनेगी, थोड़ी सी बनेगी। पहले फटाफट से ये बर्तन धो लेते हैं। ये डिब्बा हो गया था, कस्तूरी मेथी ख़त्म हो गई है, तो डिब्बा भी साथ के साथ मैं धो दूँगी, तो ऐसे याद रहता है क्या चीज़ ख़त्म हो गई, डिब्बा भी धुल जाता है, और कई बार दिमाग से निकल जाती है एकदम याद आता है वो चीज़ भूल गए ले के आनी मंगवानी, तो भी याद रहेगा कस्तूरी मेथी ख़त्म हो गई है, तो वो भी साथ के साथ मंगवा लूँगी। जो सामान ख़त्म होता है वो साथ के साथ मंगवा लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा ही पड़ा होता है वैसे तो मेरे पास, लेकिन अभी इतना घर सामान का भरा हुआ है ना, अभी कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जब से ये दीवार जो सी किचन की निकाली है तब से सारा का ना जो सी एक ऊपर लकड़ी का बॉक्स था वो खाली किया, तो सामान काफ़ी इधर उधर पड़ा उसका, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ रखें। तो अभी लगेंगे मिस्त्री, लगेंगे लकड़ी वाले भैया, तो उनको फिर से वो अलमारी वहाँ पर लगवा देंगे जो से, तो उसमें उसका सामान सारा चला जाएगा। तो बातों बातों में हमारे बर्तन भी हो गए फ्रेंड्स, तो बर्तन धुल जाते हैं ऐसे ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये सारा हो गया हमारा काम, बर्तन भी सुबह से अभी मैं धोए हैं, ये नहीं बारी बारी नहीं धोती, तो अभी ब्रेकफास्ट के थे, और अभी जो से खाना बनाने के बर्तन है वो हो गए, और खाना खाने के बाद जो से हो जाएंगे वो भी साथ ही साथ धो के रख दूँगी। फिर मैं आऊँगी एंट्री करूँगी शाम के टाइम 6:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब किचन में। तो अभी कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाल रखे हैं ऊपर, अभी लक्ष्मी भी नहीं आए हैं, तो ये होता है उनके आने से पहले पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और डस्टिंग वस्टिंग हो जाए। तो ये बर्तन हो गए हैं, अभी बना लेती हूँ थोड़ी सी रोटी, तो लक्ष्मी आते हैं वो भी कभी कभी खा लेते हैं, तो उस वो आ गए हैं, तो उनसे मैंने पूछ लिया, सीढ़ियों में लगा रहे हैं झाड़ू, पोछा लगा रहे हैं वो, तो वो कह रहे वो भी खा लेंगे खाना, पर वो काम ख़त्म करने के बाद खाते हैं, तो भी आराम से बैठ के। रोटी ज़्यादा तो बननी थी, जल्दी जल्दी बन गए फुलके भी हमारे, तो ये हमारा किचन का काम हो गया लगभग ख़त्म, किचन हो गया साफ। अभी लक्ष्मी अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, तो देर में मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अंदर का रूम तो मैंने शिवानी ने कर दिया था डस्टिंग उसकी, तो ये वाले रूम की मैं कर लेती हूँ। मेरे कोई लैपटॉप पर लगा, कोई अपना फ़ोन देख रहा है, कोई कुछ है, तीनों चारों जाने अंदर ही हैं, तो ये मैं अभी ये सारा क्लीन कर लेती हूँ। सोफ़े वगैरह काफ़ी दिन से डस्ट पड़ी रखी है इन पर, क्योंकि काम करने का इतना मन ही नहीं होता क्या करें। ये हो गया हमारा साफ, और लक्ष्मी भी कह रहे हैं अभी गर्मी की वजह से वो भी बातें कर रहे हैं, अभी दीदी गर्मी बहुत ज़्यादा, भाभी बहुत गर्मी है, तो वो तो बेचारे झुग्गियों में रहते हैं उधर, तो उधर तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आ रहा उनके वहाँ पर, तो पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो बिजली तो फिर भी है, लेकिन कहते हैं पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है दिल्ली में, तो जिनके यहाँ भी पानी आ रहा है प्लीज़ वो कम से कम पानी का यूज़ करें, ताकि सारी दिल्ली को पानी मिल सके। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ पानी सेव करूँ, लेकिन सबका साथ चाहिए हमें,
तो ये पानी सेफ हो सकता है। तो ये देखिए हमने मैंने डस्टिंग भी कर दी है सारे, इधर ब्रश से ही करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं आपको पता ही है ब्रश से अच्छे से मिट्टी निकल जाती है जो सी होती है बाहर से। अभी मौसम ऐसा, इतनी गर्मी है, कभी धूल मिट्टी तो अंदर एंट्री होती है, क्योंकि मैं सारी खिड़कियाँ खोल के रखती हूँ, बाहर से थोड़ी फ्रेश हवा जो सी आती है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो किचन की जो सी विंडो भी खोल देती हूँ, क्योंकि हवा क्रॉसिंग हो, मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे इसलिए। तो ये हमारा काम हो गया लगभग ख़त्म, तो ये डस्टिंग हो गया। अभी मैं टेबल वगैरह साफ़ कर दूँगी, काफ़ी दिनों के बाद मैंने डस्टिंग की है, तो एक तो गर्मी की वजह से कुछ मन ही नहीं करता काम करने के लिए, कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही अभी घर की अच्छे से, जब होगी तो सारा सेट हो जाएगा, तो मन भी करता है अंदर। तो ये हमारे काम कर रहे हैं जो उनसे, वो भी बेचारे कह रहे हैं भाभी गर्मी बहुत है, बारिश नहीं आ रही है, अभी बारिश आएगी तो थोड़ी गर्मी कम होगी। मैं अपनी गर्मी को वो रो रही हूँ, वो अपनी गर्मी को कह रहे हैं भी गर्मी बहुत है, लेकिन जब उनको देखती हो तो लगता है उनसे तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बेटर हैं भी। वो घरों सभी घरों में काम भी करते हैं, वहाँ भी रहते हैं, तो पानी की प्रॉब्लम भी रहती है इनको, तो इनको के सभी जो भी वहाँ पे मद्रास से आए हुए हैं वहाँ पे रहते हैं सभी, ये मद्रास के लोग हैं सारे ये जो काम करते हैं इधर। तो क्या करें, काम भी करना, उनको भी करना है, हमें भी जरूरत है सबकी। तो चलिए जी कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, हर साल ऐसे होता है, पानी की प्रॉब्लम गर्मियों में आती ही आती है। तो बेचारे वो कह रहे हैं कपड़े, इतनी गर्मी है ना, कपड़े भी साथ साथ चिपते जा रहे हैं भाभी भी गर्मी की वजह से। तो ये देखिए बता रहे हैं मुझे अभी वो, ये देखिए ये कपड़े साथ चिपक जाते हैं मेरे, इतनी गर्मी है वो। चलिए ये भी निकल जाएगा टाइम, सर्दी का निकल गया, गर्मी का भी निकल जाएगा, फिर से सर्दी आई, बरसात आ जाएगी तो थोड़ा मौसम में चेंज आ जाएगा, तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आज ऊपर सफाई करवानी है मुझे, क्योंकि काफ़ी दिनों मैं ज़्यादातर करवा नहीं रही उनसे, गर्मी काफ़ी है, तो अभी ऊपर काफ़ी गंद हो रखा है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो मैंने बोला हफ्ते में एक बार लगवा रही हूँ उनसे, भी ऊपर साफ रहे थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर मैंने कपड़े भी डाले हुए थे ना, वो भी निकाल दूँगी धोए हुए, वो मशीन से बाहर निकाल के मैंने सूखने के डाल दिए, और वो उन्होंने सफाई करके वो नीचे चले गए हैं। आज कपड़े काफ़ी थे धोने वाले, देखिए आए नहीं पूरे, तो मैंने ऐसे ऐसे करके पोथी के डंडे लगा के वहाँ पर कपड़े डाले हुए हैं, तो वो नीचे आ गए हैं, कपड़े हमारे सूख जाएंगे, एक दो घंटे में सूख जाएंगे कपड़े, तो अंदर पोछा लग चुका है, तो अभी ये अब लगा रहे हैं। तो अभी खाना भी तैयार है, अभी इन्होंने काम कर लिया पूरा, तो अभी कह रहे हैं दे दो खाना, पूछा था वो मांग रहे हैं, तो उनको भी दे दूँगी, हम लोग भी बैठ के खाएँगे खाना अंदर, उनको बोलती हूँ आप अंदर आ जाओ, वो कह रहे नहीं मुझे शर्म आती है भैया के सामने, वो कम आती है, तो इसलिए वो यहाँ पे बैठ के खा लेंगे खाना, और हम लोग अंदर ही बैठेंगे, नीचे बैठ के खाएंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो सोच ही नहीं सकते, इस रूम में आने का नहीं सोचते बच्चे। तो ये देखिए नीचे लगा लिया हमने, रख लिया सारा कुछ, अंदर ले आई हूँ एक बार, क्योंकि अंदर बाहर होने से भी मेरे सर में गर्म सर्द हो जाते हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हम अंदर बैठ के सारे खाना खा रहे हैं, उनको मैं दे आई हूँ, बोल के कुछ चाहिए होगा तो आप मांग लेना, तो वो जितना खाना होता पहले ले लेते हैं, उसके बाद कभी कुछ नहीं लेना होता उनको, अगर लेना होगा तो आवाज़ लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगा दिए हर्षल के लिए थाली पहले, तो हर्षल खा लेगा, सभी हम सभी इकट्ठे बैठ के खाएंगे, तो ये हर्षल से पूछ रही हूँ कैसे बने हैं, पसंद आए बच्चों को, और ये मेरी लगी थाली, तो ये भी बैठ गए हैं, तो हम सभी नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। हिमांशु भी कह रहा डाल दो मुझे, पहले मना कर रहा था, शिवानी खा चुकी है, उसको अच्छे लगे राजमा, तो अभी ये मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, खा रही हूँ, और फ्रेंड्स ले आई हूँ ऊपर से खाना खाने के बाद, कपड़े नीचे ले आई हूँ मैं, तो अभी इसकी भी तैवरा लगा देती हूँ, तो उसके बाद हम शाम तक फ्री हैं, तो ये कपड़े सिमट जाएंगे, तो मेरा आज का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा दोपहर तक का, तो फिर करेंगे शाम को जाएंगे किचन में, अब आराम से बैठ के, रूम ठंडा हमारा, तो ठंडे रूम की वजह से तो यहाँ पर बैठ के काम करना बहुत आसान है, तो यहाँ पर बैठ के जो से प्रेस वाले कपड़े वो अलग से निकाल दूँगी मैं, और बाकी ये जो से तय करने वाले उनको मैं तय करके सबको उनकी उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो ये देखिए जी शिवानी के अलग से मेरे अलग है, तो काम तो करना ही है, कपड़ों का ये पहले धोना, फिर सुखाना, फिर उनको निकाल के लाना, फिर उनको उनकी जगह पे लगाना, प्रेस के लिए देने, कुछ खुद करने कभी कभार, तो कभी प्रेस वाले को देने, ये सब काम चलते हैं, कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं, जितना मर्जी
हम करें भी आज कम काम है नहीं, काम तो सेम वही रहते हैं रोज के, कभी बढ़ जाते हैं तो कभी कभार कम हो जाते हैं, तो ये तो ज़िंदगी है, चलती रहना है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये भी कपड़े भी लगभग मेरे सिमट ही गए हैं, तो इनको तैयार लगा के मैं रख रही हूँ इनकी जगह पे। हर्षल और हिमांशु गए हैं, उनको कोई थोड़ा सा काम था तो वो चले गए हैं, तो अभी उनके हर्षल के कपड़े भी मैं उसके बैग में लगा दूँगी। भी ये देखिए, मैंने बाकी तय के लिए जिनसे तय किए कपड़े उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। हिमांशु के, उसके पापा की अलमीरा अलग से है, मेरी और शिवानी की अलमीरा अलग से है, और ये हर्षल का बैग है, उसके कपड़े जब धोती तो उसके बैग में रख देती हूँ, क्योंकि जाते वक्त उसको ये नहीं होगी मेरे कपड़े इधर पड़े या उधर पड़े हैं, तो ईज़िली वो इकट्ठे करके, मैं ही करके दूँगी वैसे तो इकट्ठे उसको, तो ये उसका बैग है, इसी में डाल दूँगी सारे कपड़े। अभी गया अपना, ये उसके जो उनसे अलग अलग उसके सेक्शन बने हैं तो उसमें डाल दूँगी। तो ये उसके अभी, वो भी हिमांशु जैसा एक टी शर्ट पसंद नहीं आती तो दूसरी निकाल के पहन के जाता है, ये पसंद नहीं आई तो इसको खोल के ऐसे चला गया, तो इसकी तय लगा के मैं इसके बैग में रख देती हूँ। तो ये बैग में इसके बाकी कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने। अभी ये उसने जो उनसे अपना शॉर्ट पहना हुआ था वो पड़ा बाहर ही, उसको तय नहीं लगाऊँगी, अगर उसने वापस आके पहनना होगा तो पहन लेगा, क्योंकि बच्चों को घर में तो वही कपड़े पहनते हैं जो उनको कंफर्ट लगते हैं, वो अपने कपड़े वही ज़्यादातर ले के आया है जो अपने घर में वहाँ भी पहनता है, और यहाँ बाहर जाता है तो अपने कपड़े थोड़े बहुत चेंज कर लेता है, नहीं तो अपने कपड़े वही हैं। ये था हमारा आज का ब्लॉग, कल मिलेंगे, तब तक बाय बाय।